हमारी राजधानी बजा रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सारी मीडिया हाजिर है, बाद में चलो हमारे और साथी आने लगे हैं चर्चा करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भी हम अपने स्टेट की राजधानी में जाने की बात करते हैं, इसी तरह हमारे ऊपर तानाशाही की जाती है। हमारा एक पंजाब के अंदर किसान शहीद हो गया, एक किसान की हमारी पैर टूट गया, सैकड़ों किसान अंबाला में रेस्ट है, सैकड़ों किसान अन्य हरियाणा में रेस्ट है, हजारों किसान पंजाब में रेस्ट है। क्या किसान अपने प्रदेश की राजधानी में नहीं जा सकता? क्या किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकता? कौन सा लोकतंत्र है भाइयों? ये लोकतंत्र मान लो हो, सरेआम संविधान की हत्या की जा रही है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। पूरे उत्तर भारत के अंदर भयंकर बाढ़ आई हुई है, कई हजार पशु मारे गए, 150 से ज्यादा जाने चली गई, 20,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए और कई लाख एकड़ भूमि हिमाचल से लेकर के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहां तक कि दो जिले राजस्थान के भी, उत्तराखंड, हमने क्या मांग करी थी? हम सिर्फ इतनी सी मांग करते थे कि किसी भी स्टेट सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भरपाई कर पाए जनता की। हमने मांग की थी मोदी सरकार एक स्पेशल पैकेज इन राज्यों को दे। क्या गलत मांग थी भाई? पूरे देश का किसान बर्बाद हो गया, आम नागरिक बर्बाद हो गया। एक पानी की बोतल की सहायता सरकार ने नहीं करी। हमारे अपने साथियों ने, अपने किसान यूनियनों ने, आम जनता ने कई करोड़ों रुपए की दाल, चीनी, चावल बांट दी, कंबल बांटे, लंगर लगाए, पानी पिलाया, और मारे गले यू व्यवहार, मारे गले ये व्यवहार कि हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। प्रजातंत्र नाम की तो कोई चीज है नहीं। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों को लगता है देश आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ना तुम्हें मुबारक। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जिसके अंदर कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसी हिटलर शाही नहीं चाहिए जिसके अंदर कोई गरीब आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता, सबको लगाम लगा दी गई। साथियों, मैं सारे साथियों से सबसे पहला प्रार्थना करता हूँ, या बैठ जाओ स्वामी, यही पर बैठ करके आगे की रणनीति बनाएंगे। और एक बात याद रखो भाई, ये देश की हर धरती पवित्र है, जहाँ किसान बैठ गया वही जगह पवित्र है, जहाँ किसान बैठ गया वही चंडीगढ़ और दिल्ली बनाने की हम क्षमता रखते हैं। 13 महीने तक सिंह बॉर्डर बन रहा है, याद रखे, 13 महीने तक आपने टिकरी देखा होगा। हमारे साथियों ने सबसे पहले जल्दी छोड़ दो, नहीं तो यू रोड फिर 13 महीने की चक्राए नहीं। ये तो मारा अपने खेता में को है, इसका तो न्यू नहीं, मेरा कड़क महीने के साल भी लग जाएंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना में शांति करके बैठ जाओ, जब तक अपने साथी सारे रिहा नहीं हो जाते आगे की रणनीति, तब तक हम नहीं बना सकते। सारे साथी रिहा हो जाएंगे तब हम सारे भाई बैठ के बतला के आगे की बात करांगे। यही बैठ जाओ, यही चंडीगढ़ बना देंगे। मेरी प्रार्थना भाई, जिस भी साथी से संपर्क हो, पंजाब के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश करो, किसी का फोन खुल गया तेजवीर, किसी से संपर्क हो रहा, आज सही लोकेशन लो, हाँ ठीक है जी, थोड़ा चक्कर आओ जी।